शेमिनस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। नए कामठी में चल रहे सेक्स रैकेट पर पुलिस का छापा। नागपुर, नए कामठी परिसर स्थित होटल रिलैक्स लॉजिंग एंड बोर्डिंग में शुरू सेक्स रैकेट पर डीसीपी हर्ष पोतारिन के टीम ने छापा मारकर 15 साल की लड़की के साथ दो को गिरफ्तार किया है। साथ ही तीन दलालों को भी गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई बुधवार शाम करीब 7 बजे हुई है। मिली जानकारी के अनुसार होटल रिलैक्स लॉज में सेक्स रैकेट चलाए जाने की जानकारी सहायक पुलिस निरीक्षक ओम प्रकाश सोनटक के इनको मिली थी। शाम 5 बजे एक पंडर लॉज पर भेजा गया। आरोपी दलालों से सौदा पक्का होने के बाद होटल अटेंडेंट ने एक लड़की उपलब्ध करके होटल के रूम में भेज दी। जैसे ही पंटर ने पुलिस को इशारा दिया, ताक पर बैठी हुई पुलिस ने होटल पर छापा मारा। पुलिस कर्मियों ने दो पीड़ित युवतियों के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऑटो में दिखाया करते थे लड़कियां, पति से दूर हो चुकी महिला और युवती, ये दोनों को रिलैक्स लॉज के सामने ऑटो में बिठाया जाता था। ग्राहक ऑटो में ही युवतियों को पसंद करते थे। दलाल को पैसे मिलते ही लॉज में सभी सुविधाएं उपलब्ध कर दी जाती थी। कम उम्र में देह व्यापार, सेक्स रैकेट में पकड़ी गई युवती वाठोड़ा की रहने वाली बताई जा रही है। पिता का निधन हो चुका था। वो लड़की कक्षा 8वीं की विद्यार्थी बताई जा रही है। दो वक्त के खाने का इंतजाम कहकर उसे महिला ने देह व्यापार में खींचा। गरीबों का फायदा लेते हुए उसका वीडियो बनाकर केवल 200 रुपए के लिए दलाल उसका इस्तेमाल करता था। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।